भूषण ज्वेलर्स। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सोमवार को सोलन दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कसौली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार बयानबाजी कर यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को आपदा के रूप में एक विशेष बजट दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही आंकड़ों में कोई बात की जा रही है। प्रदेश सरकार अपने दम पर अब तक राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बस टीवी पर आकर गप्पे मारने का शौक रखते हैं। सिर्फ वहीं पर वे अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों में किसी भी तरह का कोई काम बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाओं का दौर जारी है। पहले कोरोना ने हिमाचल में दस्तक दी और अब बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुकसान देखने को मिला है। सरकार अपने स्तर पर लोगों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने अपने स्टेट हेड से 4,500 करोड़ का बजट जारी किया है और इसके तहत लोगों को राहत देने के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि रिलीफ मैनुअल का जो पैसा 75,000 रुपए था, आज उसे बढ़ाकर सरकार ने 7,00,000 कर दिया है। अब लोगों को इस राहत राशि के तहत बजट तैयार करके सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इतनी बड़ी विपदा जो है पूरे प्रदेश में आई थी, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। मोदी साहब ने तो कुछ स्टेट को दिया नहीं। जयराम जी से टीवी के ऊपर आके गप्पे मार रहे हैं और तो कोई काम नहीं कर रहे। अभी आपके सोलन जिले की अगर बात करेंगे, आप ऑफिशियल डाटा जो है अपने डिप्टी कमिश्नर से अगर आप लेंगे, 40 करोड़ रुपये की राशि जो है वहाँ पर ऑलरेडी आ गई है। उसमें से 27.5 करोड़ रुपये जो है ऑन रिकॉर्ड बुक में वो ऑलरेडी वितरित कर दिए गए हैं। जो रिलीफ मैनुअल पहले जो घर गिर गए थे, गिरते थे या आग लग जाती थी, उसका 75,000 रुपये का जो है पहले रिलीफ मैनुअल था, उसको 1,30,000 रुपये करा गया। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि इतने में कुछ नहीं हो सकता है, तो 1,30,000 से बढ़ा के उसको 7,00,000 रुपये जो है वो कर दिया है। उसकी पहली किस्त जो है 3,00,000 रुपये प्रति घर जो है, हालांकि 1,00,000 रुपए ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, 3,00,000 रुपए प्रति घर जो है, जैसे मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली से वापस लौटेंगे, कसौली विधानसभा क्षेत्र या सोलन जिले में कहीं भी धर्मपुर या सोलन में कार्यक्रम करके वो जो प्रभावित लोग हैं उनमें डिस्पर्स करेंगे। 4,500 करोड़ का पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट हेड से वो जो है अनाउंस किया है, जिसकी प्रथम किस्तें जो है सभी जिलों में 12 के 12 जिलों में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं समझता हूँ कि हम इसमें कामयाब रहे। मनरेगा है, कांग्रेस सरकार ने 2004 में जो है करी थी, और ये स्कीम नहीं है, ये तो एक्ट है। मनरेगा का एक्ट बनाया गया था श्री राहुल गांधी जी, और उसके बाद जो है हालांकि मोदी साहब ने 2014 में आने से पहले मनरेगा को बोला था कि हम लोग जो है ये बंद कर देंगे, तो स्कीम ठीक नहीं है, परंतु खुद सत्ता में आने के बाद उन्होंने चलाया है, पर कट लगाते रहे हैं। इस साल भी मनरेगा का जो है पूरे देश में जो है 20,000 करोड़ रुपए का कट जो है केंद्र सरकार ने वो लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।